गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन का आठवां भाग। ठीक है, आठवां भाग का क्या नाम है? एम्फेटिक प्रोनाउन। ये एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन आपको पता ही है। हम इससे पहले एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हमने टॉपिक किया था वो आपको याद होगा, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ। बस उन्हीं का यूज अगर हम वाक्य में जोर देने के लिए, ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए जब उनका प्रयोग करते हैं और उनका अर्थ स्वयं या खुद ये अर्थ निकलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, तो हम करते हैं इसके जैसे हम दे लेते हैं, अशोक हिमसेल्फ इज गुड बट नॉट हिज फ्रेंड्स। इनके अशोक जो स्वयं तो अच्छा है लेकिन उसके जो मित्र हैं वो अच्छे नहीं है। तो यहां पर अशोक के लिए जो शब्द यूज हुआ है हिमसेल्फ जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये अशोक के लिए यूज हुआ है, अशोक हिमसेल्फ, यानी कि अशोक स्वयं अच्छा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है जैसे पूर्वा हरसेल्फ डिड दिस वर्क, यानी कि पूर्वा, हम इसको वाक्य को ऐसे ही बोल सकते हैं कि पूर्वा डिड दिस वर्क, लेकिन पूर्वा हरसेल्फ, पूर्वा ने स्वयं खुद, यानी कि खुद ही उसने यह कार्य कंप्लीट किया है, पूरा किया है। तो जोर दे दिया कि पूर्वा ने विदाउट एनी हेल्प, विदाउट किसी की सहायता के खुद अपना काम किया है, तब हम पूर्वा के लिए हरसेल्फ शब्द का जो यूज हुआ है इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है? एक उदाहरण और देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स आर लेट। अब यहां पर जो स्टूडेंट है इनकी जगह हमने प्रोनाउन का यूज किया है, और क्या प्रोनाउन हो? देमसेल्व्स, क्योंकि स्टूडेंट्स जो ज्यादा है, यानी कि विद्यार्थी स्वयं, यानी कि जो खुद विद्यार्थी है वही लेट है। ठीक है, विद्यार्थी देमसेल्व्स, यानी कि वो खुद लेट है, तो विद्यार्थी के लिए शब्द अलग से हमने यूज किया है शब्द देमसेल्व्स। तो देमसेल्व्स क्या है? हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन के जो शुरू में हमारा नंबर दिया गया होता है आप उन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार की आपको कोई सहायता चाहिए या कुछ समझ में नहीं आया है आप उसको कमेंट बॉक्स में या हमारे मैसेज पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।